सत श्री अकाल, फतेह, अदाब, नमस्ते दोस्तों। दोस्तों मैं हूं आपका अपना देवजोगी। सो आज हम बात करेंगे मोक्ष के बारे में। अक्सर संत महात्माओं के मुख से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष धारण करना, मोक्ष लेना, ये सब बातें सुनी होगी। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे मोक्ष के बारे में। दोस्तों मोक्ष दो अक्षर का शब्द है, मो का अर्थ है मोह, और श का अर्थ है श्य। श्य मीन्स नाश हो जाना। मोह का अर्थ है किसी की चीज में मोह होना, और श्य का अक्षर है नाश हो जाना। दोस्तों हमारे जीवन में धीरे धीरे मोह का नाश हो जाए, कम हो जाए मोह, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है मोह के लिए। पांच चीजों की मात्रा कम होने लगे तो समझ लेना हम इंसानों के अंदर मोक्ष आ गया। पहली वस्तु, बहुत सी वस्तुओं से इंसान की तृष्णा जो है वो कम होने लग जाए तो समझ लो मोक्ष आ गया। वसु, धन संग्रह करने की वृत्ति जो है वो इंसान के अंदर कम होने लग जाए तो समझ लो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। विषय, विषयों की प्रति धीरे धीरे इंसान के अंदर उदासीनता आ जाए तो इंसान को मोक्ष प्राप्त हो गया। व्यक्ति, किसी व्यक्ति को एकांत में सुख मिलने लग जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। विचार, किसी इंसान के अंदर अभाव, गलत विचार आने बंद हो जाएं, उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होनी अवश्य शुरू हो जाती है। सो दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा की है, तो उम्मीद करूंगा हम जीवित रहकर, इस संसार में रहकर इन वस्तुओं का त्याग करें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों।